निकल गए हैं कैंडी लेक की तरफ भव्या बैठी, और ये हम लोग शटल में बैठे हैं। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है इसलिए कार नहीं जाती है यहाँ पे, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। दो बार हम लोग पानी के पता नहीं किस तालाब से भी निकल गई गाड़ी, जहाँ हम लोग इतने उलट पलट रहे थे कि वीडियो नहीं ले पाए। और ये मैम जो है दो बार भव्या के ऊपर गिर चुकी है, लेकिन ये प्लेस बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से निकल रहे हैं यार। अभिषेक भाई बने हुए हमारे साथ और बने रहना चाहिए क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो उठा के लेके जाएगा कौन। अच्छा ये बार बार बोल रही है, अरे रुक जा, इश्क मूवी का डायलॉग नहीं है आया श्री मैं गया श्री, ये बार बार वही बोल रही है क्योंकि यहाँ का दरवाजा अगर खुल गया तो सीधा जाएगी ये सब। मैं ये गाड़ी इतनी ज्यादा हिल रही है कि मैं ही दो बार गिरता गिरता बच गया मैडम के ऊपर। मैं गिर गया अगर आंटी के ऊपर ना तो भाई बहुत मारेंगे सब लोग मिलके। यहाँ पे पूरे पानी से निकल रहे थे, देख रहा भाई अलग ही रास्ता है ये तो, यहाँ कभी जिंदगी में। अरे ओए ओए, दिस इज लाइक मुंबई आफ्टर 4 days ऑफ रेनिंग, नहीं 1 day ऑफ रेनिंग, हाफ डे ऑफ रेन। अरे हम पहुंच के ही अब व्लॉग कर पाएंगे गाइस, क्योंकि मेरे को पूरे टाइम एक हाथ, अगर पहुंचे तो, हाँ अगर पहुंचे तो ये एक हाथ पूरे टाइम यहाँ पकड़ना पड़ रहा है मुझे। हंस हंस के पागल हुई जा रही है हम लोग। बाय द वे कहीं बीच में रुके हैं जहाँ से फिर से भी 5 किलोमीटर बचा हुआ है। मेरे को लगता है ये लोग रोकते इसलिए क्योंकि सांस वापस आ जाए सबकी एक बार, उसके बाद वापस लेके जाएंगे सबको। तो वादिया देखो, एक डेथ राइड से पहुंच चुके हैं एक शटल से। 18 किलोमीटर यहाँ कैंडी लेक्स तक था तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो शटल से हम यहाँ तक आए। अब यहाँ से आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप शटल से घूमते घूमते बोलते हो या फिर आप हॉर्स राइड करके नीचे जा सकते हो। मेरा तो बहुत मन था हॉर्स राइडिंग करने का, लेकिन हॉर्स राइडिंग में एक ये बात है कि लेक आपको दूर से देखने के लिए मिलेगी बिकॉज हॉर्स का एक जगह ही है जहाँ तक वो खड़े होकर आपको व्यू दिखा सकते हैं। इट्स बेटर इफ यू गो बाय शटल, इट्स बेटर कि हम शटल से चले। अच्छा दूसरी चीज, एक टॉली ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई कि यहाँ पे लोग को ड्रिंक करके, अरे साथी विलेज, अगर आप साथी विलेज में, मैं वही बोल रहा था भाई, एक सेकंड रुक जाए, ड्रिंक करके मतलब ड्रंक होके बेसिकली इन वैलीज में मत आओ बिकॉज यू कैन डाई। तो लास्ट मंथ एक रशियन आया था आदमी जो कि नॉट हाईली ड्रंक बट ही वाज ड्रंक एंड बट वो आया यहाँ पे तो हार्ट अटैक का हो गया उसको। हाँ बिकॉज प्रेशर बहुत अप डाउन होता है और एल्कोहल लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर अगर जैसे टॉली हिमसेल्फ हिज नोज इज ब्लीडिंग राइट नाउ, तो प्रेशर बहुत अप डाउन। साथी विलेज में स्टे करके फिर कैंडी लेक आते हो, तो ऐसा नहीं कि साथी विलेज में आप जो है यू नो ड्रिंक व्रिंक करके फिर यहाँ कैंडी लेक। हाँ मतलब करना भी जिसको जो ड्रिंक करते भी है वो अगर कर भी रहे हो तो एक रात पहले दो रात पहले करके आओ भाई, यहाँ आने के बाद या आने से पहले मत करना। एक चीज और आप लोग को बतानी है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कोई भी यहाँ पे आ रहा है पैकेजेस ले रहा है, वॉशरूम वगैरह सब घर से करके आना, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम सुपर गंदे हैं। मतलब मैं लड़का होने के बाद भी बोल रहा हूँ गंदा है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा क्लीन चाहिए रहता है बट हम लोग को तो कहीं भी चल जाता है, बट हम मैं ही बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा गंदे हैं यार। मतलब आई डोंट नो, ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, ये सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स तो हैं बट स्टिल। बैठ चुके हैं दूसरे वाली शटल में, ये शटल थोड़ी अच्छी है तो ये शटल में मरेगा नहीं एटलीस्ट। तो हम लोग अब जा रहे हैं कैंडी लेक में, वहां जाके छोड़ दिया मतलब शटल ने हमको। और ये भव्या जो है इन पेड़ों से प्यार है इसको, बार बार बोल रही है क्योंकि ये जब -45 degrees होता है तो ये पूरे के पूरे बर्फ में ढक जाते होंगे। ये नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ आपको ऐसी जगहों पे ही मिलेंगे जो पोलर रीजन के पास में है। भाई चलना बहुत पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा लगता है कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग। स्लोप बहुत ज्यादा है, पूरा नीचे जाने के बाद मुझे लगा शायद ऊपर आने के लिए हॉर्स राइडिंग या कुछ ऐसा मिल जाएगा, बट कुछ भी नहीं, हमें पूरा ऊपर चढ़ना है। कैंडी लेक बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए वरना तो गंदा कट जाएगा हमारा। यार ये स्लोप तो बढ़ते ही जा रहा है और नीचे सीधा ऐसे बहुत सुंदर है, दिख रहा है क्या यहाँ, दिख रहा है? एक सेकेंड भाई, बहुत सुंदर है बोल दिया, कुछ तो अच्छी न्यूज़ है। ओह यार दिख तो बहुत सही रहा है यहाँ पर, दिख पा रहा हो तो। ये रास्ते में ऊपर आएंगे कैसे अपन? अरे वो ठीक है भाई, अरे कितना भी अच्छा हो, अरे एक्चुअली बहुत अच्छा है यार, शिट वाह कलर देखो पानी का, वो छोड़ो भव्या वो है पूरा मुरम और गिट्टी वाला रास्ता है, ये तो फिसल फिसल के गिर जाएंगे। इंडियन हो, चलने की आदत नहीं। अरे चलने की आदत है, एडवेंचर करने की और फालतू वाली वो बिल्कुल आदत नहीं है। वो देखो उनको खुद ही प्रॉब्लम जा रही है, वो लोकल आदमी बेचारे। भैया नीचे तो बिल्कुल ही स्लोप है यार,
कैसे चलेंगे? अरे तो मंदिरों में नहीं गए? अरे मंदिर इज डिफरेंट भव्या। ये देखो ये लोग तो एजेड भी लग रहे हैं, तो अपन को तो चलना ही चाहिए भाई, इनसे अपन इंस्पिरेशन लेंगे। चलो बहुत ऊपर चढ़ते हुए आए हम लोग, लेकिन ये सब का सब वर्थ था, बिकॉज ये देखो गाइज नीचे चलना है। और यार ये है इनकी स्पेशलिटी, जहाँ ये देख रहे हो आप लोग स्टैंडिंग पेड़, जो कि अर्थक्वेक के कारण कुछ हुआ है, जो कि भव्या हिस्ट्री बताएगी बाद में। बस इतनी हिस्ट्री है, अर्थक्वेक के कारण ये लेक यहाँ पर बन गई है, जिसमें से ये पेड़ ऐसे निकलते हैं। वाओ, एक सेकंड का पेड़ का ज़ूम तो लें दो। वाओ, मतलब पेड़ क्या है? बहुत ही अलग टाइप की चीज है यार ये। पर ये भी लेक कहाँ है? ये लेक तो देखो कहाँ पे, ओ हो हो, बीचो बीच। वर्थ था भाई, वर्थ था ना, ये हम नहीं आते तो बहुत बड़ी चीज मिस हो जाती, बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का लेक है और बहुत ज्यादा क्लीन है। शिट, देख तो कितना क्लीन है, और यहाँ के लेक का पानी पीते ना, शायद बोला ना। और ये देखो वो पेड़, ओहो हो। नॉन वर्किंग डे इसलिए बहुत सारे लोग हैं सैटरडे वरना। अरे यार मेरे को क्या दिख गया यार फिर से यार, सॉरी ब्रो, फील फॉर यू। हम क्या बोल रहे थे, हाँ एक्चुअली नॉन वर्किंग डे है इसलिए बहुत ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, वरना अकेले आओ एकदम वर्किंग डे में, अगर अकेले शांति से इस पेड़ के ऊपर बैठो आप और सिर्फ चिंतन करो कि हमें इंसान क्यों बनाया भगवान ने। अच्छा सीनरी, और ये देखो कहाँ जा खड़ी है। एक्चुअली यहाँ तेरी बहुत अच्छी फोटो आ सकती है, जब अच्छी आने वाली होती है फोटो तो मांगती नहीं फोटो। कितनी अच्छी, देखो फ्रेम ही देख कितना अच्छा लग रहा है वाला। हम लोग अभी भी इसी लेक में हैं यार, बहुत देर हो गया हमें, तब भी हमें जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और ये लोग अभी भी फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, और एक्चुअली इसका पानी जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, यहाँ से बहुत क्लियर लग रहा है, लेकिन ये ऊपर से और भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज शायद पेड़ों के माउंटेन्स के रिफ्लेक्शन आते हैं। एंड यार ये बहुत ही शांति प्रिय ऐसी जगह है जहाँ घंटों लिख सकता हूँ मैं, जहाँ बैठ करके। हाँ मैं लिखता हूँ भाई, तभी जिनको नहीं पता है मैं राइटर भी हूँ। भव्या तीन चार दिनों तक हूँ यहीं पे मैं, Okay. तू मेरे को पिक कर लेना यहीं पे आके, इसी पेड़ में मैं डाला मिलूंगा तेरे को, ठीक है ना? हाँ, तीन चार दिन में तुझे रैबिट्स भी मिल जाएंगे। रैबिट्स क्यों मिलेंगे भाई? टॉली ने बोला कि वीक डेज में जब क्राउड कम रहता है तो रैबिट्स यहाँ पे बहुत नॉर्मली मतलब दिखते हैं, अभी वीकेंड्स में क्या बहुत क्राउड हो जाता है तो। एनीवेज चलो ठीक है, उन रैबिट्स को बता देना मैं इस वाले पेड़ में मिलूंगा, अगर उनको कुछ गाजर वाजर चाहिए मेरे से तो। टॉली अभी ये बता रहे हैं कि एक व्लॉगर लास्ट ईयर ये लेक तीन चार दिनों के लिए बंद थी, क्योंकि किसी को यहाँ पे स्कूबा डाइविंग करनी थी, अपना इक्विपमेंट वगैरह सब लेकर आया और यहाँ अंडर वाटर गया, लेकिन फिर उसका ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो गया एंड ही डाइड। यार यहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अपन को चलना चाहिए यहाँ से। एक्चुअली बारिश हो रही है और अपन को पूरा जाना है। बाय बाय लेक, जाना पड़ रहा है तुमको छोड़ के, बहुत बुरा लग रहा है लेकिन जाना पड़ेगा हमें। फाइनली एक खरगोश स्पॉट हुआ है, मैं अगर जूम करके दिखा सकता हूँ। अरे ये देखिए देखिए, हाँ दौड़ रहा है, कुछ तो कैप्चर हुआ। एक मिनट, अरे मिल गया मिल गया, तेरी फोटो खींचना है, फोटो में बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। जितना ऊपर जाते जाओगे थोड़े ही ऊपर आए हम लोग, और ये देखो पानी का कलर एकदम ही अलग टाइप का दिखता है यहाँ पे। यार वो बहुत लंबा रास्ता है, तो हम लोग कुछ नया तूफानी ट्राई कर रहे हैं यहाँ से जाने का शॉर्टकट, भगवान करे कि हम सही जगह पहुंच जाए, ऐसा ना हो कहीं तीसरी जगह से निकले हम लोग। यार अपने गाइड को पूछ लो यार भव्या, यार हम तूफानी करना चाहते थे तो ज्यादा तूफानी हो गया, ऐसे जाना है सीधा सीधा। दूसरा रास्ता लेते हुए हम ऊपर आए, आ गए भाई ऊपर, आ गए कजाकिस्तान आके, एक लेसन मिला तो ऑक्सीजन थोड़ी कम, साथ में बोलते हैं कुछ नहीं सुनाई देगा। हाँ, ब्रेन में ऑक्सीजन कम है, बोल ले पहले, तू ही बोल ले। ब्रेन तक ऑक्सीजन कम जा रही है तो दिमाग से नहीं चल रहा। हाँ, एनीवेज कजाकिस्तान आके एक चीज सीखने को मिली जो हमें नॉर्मल जिंदगी में ही सीख लेनी चाहिए थी, उसके लिए कजाकिस्तान आने की जरूरत नहीं थी। जब आप कोई नई जगह है एडवेंचर ट्राई मत करो भाई, बहुत खतरनाक रास्ता था, किसी तरह ऊपर आए बस, जबकि हमारा गाइड बेचारा बोल रहा था मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो पीछे कब खत्म हो गया, अभी तक इसका चल रहा है महाश्री महाश्री। एनीवेज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से पानी देखो कितना खूबसूरत लगता है, दिखा के रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। ये देखो ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल का पानी है, पर हमें जाना है बहुत दूर अभी। जोर से बोलो, सॉरी सही बोल रहे थे तुम। अरे मैं कह रहा हूँ जोर से बोलो जय माता दी, जा रही मैं जोर से बोलना बोलना तो वही चीज जोर से बोले दे रही है वॉल्यूम अप करके। क्या इंडियन बनेगी रे तू, बहुत ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, जिसका डर था वही हुआ वही है। अरे उठो भाई, इसलिए बोल रहा था जोर से बोलो, उसका जय माता दी निकलना चाहिए था, निकला नहीं तेरा इसलिए प्रॉब्लम हो गई। चढ़ते चल भैया, गुड तू खड़ी हो गई, मेरी जान में जाना गई, बिकॉज वरना तेरे को उठा के लेके जाना पड़ता, मैं खुद को नहीं उठा पा रहा, तेरे को क्या उठाऊंगा। अभी जाके पता लगा हमको गाइड भाई से, इतनी देर से जिसको रैबिट समझ रहे थे वो स्क्विरल निकला, वही तो मेरे को लगा भाई यहाँ के रैबिट ऐसे ही होते होंगे, गिलहरी भी हमारा काट के चली गई नहीं, बट वो जो भी था एक जीव था बहुत खूबसूरत था।
चलते चलते हमारे गाइड भाई एक चीज बता रहे हैं कि वो योगा बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए बहुत ज्यादा फिट भी हैं आज भी। योगा के एक टाइम पे टीचर बन गए थे भव्य, क्या टीचर्स लेकर आए थे इंडिया से यहाँ पर योगा सिखाने के लिए और 562 पीपल कलेक्ट किए थे। ओह वेरी नाइस, गुड, योगा इज गुड। ऐसे ऐसे जंगल में वॉशरूम्स भी बने रहते हैं, 100 टैंकीज, जाए जाके अंदर जो करो, बट नो जंगल मंगल। कैब वेट करिए, हम लोग फिर रेडी हो चुके हैं डेथ राइड में बैठने के लिए। घूम चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन बैठेंगे और जाएंगे, सुरक्षित पहुंच गए तो एंड करेंगे वीडियो को। तो हम लोग जिंदा वापस पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर और अब हम शटल से उतरकर वापस से अपनी कार में बैठ के जा रहे हैं शेरन कैनियन। और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, कोलसाई लेक, कैंडी लेक्स, बहुत थक गए। दो शटल एक्चुअली में चेंज करनी पड़ती है। कैब से जो शटल लेकर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गए वो 2500 टेंगे पर पर्सन था, और फिर वहां से जो दूसरी शटल हम लेकर गए दैट वाज फॉर 500 टेंगे। सो बस अब हम जा रहे हैं शेरन कैनियन, छोटा सा हॉल्ट लिया है। अभी अभी एक आंटी की हैट उड़ के जा चुकी है। अरे ये आंटी को और पकड़ो भाई, तेरे को लग गया क्या? अरे बिना मड़ के गिरा जा रहा है आदमी, मड़ में तो मर ही जाएगा। ओ भाई चमत्कार हो गया, इन भाई लोगों ने हमको लिफ्ट दे दी, अब मजा आया है भाई। थैंक यू, हेलो तो इनमें ही है, हम इससे निकले हैं अभी। पत्थर कैसे टंगा हुआ है अभी तक भाई, ये है बेस्ट पार्ट, टंगने का कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा। कहाँ जा रही है, फिर गिरेगी तो मैं मतलब क्या अभी क्या बाहुबली बन जाऊँ, क्या कर दूंगा मैं। यहाँ अलग ही पार्टी चल रही है भाई,